मुर्गी को रोज मुस्कुराते देखते हैं, कभी खेलते खेलते सो जाते, कभी जागते जागते खो जाते, दौड़ते भागते रोते रुलाते हंसते हंसाते रोज देखते हैं। और जिंदगी सरिश्ता जब खून का हो तो उसके आगे कहां कुछ देखते हैं। लेकिन खून के ये रिश्ते सिर्फ पैदाइशी नहीं होते। आपका सवाल होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, यहां सवाल है कि वो कितना बड़ा हो सकेगा। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में मजीद 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का आगाज कर दिया गया है। लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपके एहतियात, सदकात और ज़कात की। सुन दिस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुन दिस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुन दिस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुन दिस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम, आप हक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है मगर आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। आपने सुना होगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हर तरफ उसका शोर है कि आने वाली दुनिया तब्दील होने जा रही है। और पाकिस्तान में आईटी की एक्सपोर्ट के हवाले से हुकूमतें, हमारी निगरान हुकूमत तो बहुत बड़े बड़े दावे करके गई है कि हमने 2 लाख लोग स्किल तैयार कर रहे हैं और कर चुके हैं और एक्सपोर्ट भी आईटी की बढ़ी है। तो उस हवाले से मेरे जहन में, मेरे एक अपने शनासाओं में भी हैं और बहुत बड़े इंजीनियर हैं आईटी के, ये समझे कि पाकिस्तान में 1989-88 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इंस्टाफोन के नाम से पहली कंपनी आई जिसके वो पहले इंजीनियर थे, हारिस अब्दुल्ला नाम है, और वो पाकिस्तान में आईटी के हवाले से क्या क्या बातें करते हैं वो सुनने की हैं। मगर ये बता दूं कि इंस्टाफोन जो है एशिया में पहली या दूसरी कंपनी थी। उस वक्त इंडिया में आईटी का कोई तस्वुर नहीं था, सेलफोन का कोई तस्वुर नहीं था। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उस अमेरिका में हमारे बहुत बड़े बड़े पाकिस्तानी आईटी इंजीनियर्स रहते हैं, इंडिया की लॉबी है तो वो ज़्यादा नज़र आते हैं, मगर हमारे लोग बड़ी तादाद में हैं। आज से कोई 25 साल पहले मलयालू जी जब एम्बेसडर थी तो वो बहुत तफाखुर से कहा करती थी सिलिकॉन वैली में पाकिस्तानी आईटी इंजीनियर 20,000 की तादाद में रहते हैं। और फिर हमारे अमेरिकन पाकिस्तानियों में पहले 2 बड़े बिलियनर जो हैं वो आईटी से मुतालिक थे, सफ़ी कुरैशी जो एएसटी कंप्यूटर, जो आईबीएम से पहले सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहलाती थी कंप्यूटर की, और फिर फारूक बाजवा, वो भी लॉस एंजल्स से हैं, सफ़ी साहब भी, और ये साहब हारिस अब्दुल्ला भी लॉस एंजल्स से इनका ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान में आईटी के मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहते हैं मैं आपको उनसे सुनवाता हूँ। कुछ सवाल है मेरे जहन में, कुछ उनसे पूछेंगे और वो कुछ खुद बताएंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हारिस साहब है, और हारिस साहब का मैंने जैसे पहले तारुफ कराया कि ये साउथ एशिया में हम कह सकते हैं कि सेलफोन इंडस्ट्री के पहले इंजीनियर हैं, कि जब हम ख्वाबों में, तसव्वुर में या इब्ने सफी के किताबों में सेलफोन का तसव्वुर हमने पढ़ा था और कहते हैं कि जी फ्रेंच फिक्शन से लिया गया था, कहा जाता है ना कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे जहन में आता है वो कहीं वजूद रखता है। सेलफोन से साबित हुआ था कि जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो उसका कहीं वजूद होता है। तो हारिस साहब हमारे साथ हैं, इनको लेने की वजह एक तो ये बड़ी ऑनर की बात है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि सेल फोन इंडस्ट्री का साउथ एशिया का पहला इंजीनियर
हमारे साथ है, अमेरिका में इंटरप्रेन्योर है, सेल्फ उनकी इंडस्ट्री से लेके आईटी मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। मगर पिछले दिनों ये बार्सिलोना एक कॉन्फ्रेंस में गए और इन्होंने टिकटॉक किया, बहुत ही दिली, क्या कहना चाहिए कि बड़ी फसू के साथ और बहुत हमदर्दी के साथ और पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार और बहुत दुखी लहजे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, कि यहाँ छोटे छोटे ममालिक हैं, अफ्रीका के लोग हैं, इंडियन भरे हुए हैं और पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, 100-200 साल नहीं बल्कि चांस ही खो दिया। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि हारिस, आपने ये क्यों कहा कि चांस ही खो दिया, मतलब हम इतना पीछे जा चुके हैं स्टेन एज में है? जी अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने का। और ऑफ कोर्स ये जो वॉइस हम लोग रेज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, खाली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं और वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो बेसिकली हम लोग का जो एक कहना चाहिए कि एक हम लोगों का एम है, गोल है कि जैसे दुनिया की सारी कौमें आगे तरक्की कर रही हैं उसी तरीके से पाकिस्तान को भी तरक्की करना चाहिए। उसी सिलसिले में बार्सिलोना में एक कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है, उसको MWC कहते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहलाते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड तमाम कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, जो उनकी इन्वेंशंस होती हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आके प्रेजेंट करते हैं। और वो सारे ज्यादातर उसमें ये होता है कि फ्यूचर प्रोडक्ट्स होते हैं कि हम आगे क्या लेके आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो मार्केट में, वो तो आपको पता ही होता है कि मार्केट में जो जो चीजें चल रही होती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन वो आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि जी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आज से 4 साल के बाद या 3 साल के बाद आनी है तो उसका वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते हैं, उसका डेमो देते हैं, उसको वहां पर चला के दिखाते हैं कि जी ये हम प्रोडक्ट ये बनाना चाह रहे हैं, ये हम लेके आना चाह रहे हैं। तो पर्पज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ये होता है कि उसके अंदर सारे कि टोटल कितने कंट्रीज थे वहां पर, ऑलमोस्ट समझ लें सारे यूरोपियन मेजोरिटी, जो एमिरेट्स कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, मेरे ख्याल में मुझे तो सिवाय चंद एक जो बहुत ही जो अफ्रीकन कुछ कंट्रीज होंगे या और में स्पेशली पाकिस्तान, ये इसके अलावा मुझे सारे कंट्रीज वहां पर नजर आए। हर कंट्री अच्छा वहां पर इस तरीके से होता है, जो कंट्रीज अपने बूथ बनाते हैं, अपने पवेलियंस बनाते हैं, उस पवेलियन के अंदर वो कंट्री के छोटे छोटे, जैसे अगर एक एग्जांपल अगर पोलैंड है तो पोलैंड के कोई 5-6 वेंडर्स हैं तो वो पोलैंड के पवेलियन के अंदर बैठेंगे और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स के अपनी चीजों के बारे में बताएंगे। तो ऑलमोस्ट उसके अंदर ज्यादातर ओवर 100 कंट्रीज के अराउंड मैंने देखा है वहां पर जो लोग अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उसके अंदर जो मैंने वीडियो बना के भेजी थी, तो मुझे निहायत ही अफसोस और निहायत ही दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि उसमें पाकिस्तान जो कि हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होते थे एक जमाने में, इवन मैं आपको ये भी बता दूं पाकिस्तान में सेलुलर टेक्नोलॉजी दुनिया में उस जमाने में ना उस वक्त चाइना में थी ना इंडिया में थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान दूसरा कंट्री होगा पूरे एशिया में, दूसरा या तीसरा जापान होगा या मेरे ख्याल में कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थे जो कि सेलुलर उन्होंने बिल्कुल एम्स के दौर में बिल्कुल ही एनालॉग काइंड ऑफ द सेलुलर उस जमाने में वो शुरू हुआ। तो वो उस लेवल पे पाकिस्तान उस जमाने में था कि जब दुनिया में कोई उसके करीब भी नहीं था। और जब मैंने उधर जाके देखा तो वहां पर वो कंट्रीज जो पाकिस्तान से बहुत पीछे थे वो अब पाकिस्तान से इतने आगे जा चुके हैं कि हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो ये चीज मुझे बहुत क्लिक हुई, मैंने कहा ये क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ये हमारी क्या कोताहियां थी, क्या गलतियां थी जिनकी वजह से हमें ये महसूस हुआ कि जी हम, बल्कि नॉट महसूस हुआ, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिन चीजों से हम गुजर रहे हैं, इससे हमें अंदाजा हुआ कि हम जो है हमने अपनी एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी, नंबर वन। दूसरा ये है कि नंबर टू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारे यहाँ इन्वेंशन टाइप की कोई चीज जहन में नहीं है लोगों के जो इन्वेंशन होता है, R&Ds होती हैं, कौन सा भी था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ बिजनेस जो है ना वो सेठों के हाथ में होता है और सेठ जो है ना वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा वो पैसे को देखता है। जब सेठ अपने पैसों को देखेगा तो वो टेक्नोलॉजी में R&D में पैसा नहीं डालेगा,
उसको सिर्फ ये होगा कि कम से कम पैसों के अंदर और सॉरी कम से कम एम्प्लॉयज हायर करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। तो ये इसी रिलेट क्वेश्चन है कि आप अमेरिका की हद तक मैं कह सकता हूं कि 1.5 से 2 लाख आप जैसे इंजीनियर यहां मौजूद है, हर फील्ड के लोग मौजूद हैं। आप लोगों को पता है कि स्टेट अपने मखसूस काम के लिए करता है, आप लोगों को ये महरूमी भी पता थी। आप लोगों ने इज्तमाही शक्ल में पाकिस्तान को क्या दिया अभी तक, क्योंकि इंडिया की तरक्की में ओवरसीज का बहुत बड़ा हाथ है, चाइना की तरक्की में इसी अमेरिकन चाइनीज यहाँ जो रहते थे उनका हाथ है, इवन फिलिपीन की तरक्की में, टेक्नोलॉजी, पूरी इकोनॉमी में उनका एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो आप लोगों ने क्या ट्रांसफर किया अभी तक यहाँ से, आप लोगों ने वो इदारे क्यों नहीं बनाए जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुख्तसर इस पर थोड़ा ही बता दूं कि यहाँ पाकिस्तानी पहले 90s में बिलियनर, आप ही के शहर आईटी के हवाले से लॉस एंजलिस में सफी कुरैशी रहते थे, फिर आप ही के शहर लॉस एंजलिस में फारूक बाजवा रहा करते थे, एएसटी कंप्यूटर जो है वो आईबीएम से बड़ा हुआ करता था अर्ली 90s में सॉफ्टवेयर में, सॉरी हार्डवेयर में। तो इज्तमाही शक्ल में आप उसके बारे में बताइए, बिलियनर भी है आप लोगों के दरमियान आईटी के हवाले से, मिलियनर तो बहुत कॉमन है, तो उसमें अपनी पार्टिसिपेशन बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा जवाब दे सकता हूं। देखें, ऐसी बात नहीं है कि यहां से बहुत सारे, मैं खुद इसकी पर्सनल एग्जाम्पल हूं, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे अपने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो के पाकिस्तान गए काम करने के लिए। इवन चले आपकी मैं मिसाल ले लेता हूं, सफी कुरैशी। जनाब सफी कुरैशी साहब, जब मैं आपको उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आई थिंक गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे ये गए थे ये सफी कुरैशी साहब पाकिस्तान, और वहां पर उन्होंने पूरा एक प्लान लेके गए थे कि वहां पर वो एक फैक्ट्री लगाएंगे और वहां कंप्यूटर की डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम करेंगे। क्या उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली? उनको वहां पर जिस तरीके की चीजों को फेस करने को मिला, जिस तरीके के हर्डल्स आए, वो वहां से पैकअप करके वापस आ गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से जाना अभी भी जाना चाहते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि जब इमरान खान की केपीके की हुकूमत आई थी तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, आमिर कमर साहब, वो बहुत ज्यादा जो है ना पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम चलते हैं और इमरान खान के पास जो हुकूमत आई है केपीके में, तो हम एक रोल मॉडल करते हैं कि वहां एक स्मार्ट सिटी बनाते हैं। तो वो पूरा ब्रॉडबैंड का एक पूरा प्रपोजल लेके गया। उस सिलसिले में मैं खुद वर्जीनिया उनके साथ गया, फिर हमने वहां जाके असद उमर साहब से मुलाकात की, वो इधर आए थे एंटरप्रेन्योर की मीटिंग के लिए, वहां पर हमने जब उनसे मुलाकात की उन्होंने कहा अरे जबरदस्त बेहतरीन आप पाकिस्तान आए। अब यकीन करें हम लोग पाकिस्तान गए, मेरा दोस्त वहां पर बैठा उनके साथ गया, वो जो उनको टोपियां दी गई है ना वहां पर लेफ्ट राइट अब इससे मिलने अब उससे मिलने, अल्टीमेटली उन्होंने कहा ये जो आप ब्रॉडबैंड का प्रोजेक्ट लेके आए हैं इसके लिए तो हम जो है ना टेंडर निकालेंगे, उसके अंदर तो चाइना की भी कंपनी आएंगी। और हमने अच्छा हम उनको लीस्ट कॉस्ट में करके दे देते, हमने कहा था कि हम वहां अपनी माइक्रोवेव फैक्ट्री लगाएंगे, अपने लिंक्स बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे, पूरा जबरदस्त प्रपोजल लेके गए हम वहां पर, हमें जिस तरीके की टोपियां दी गई। जी, इसी कंटिन्यूशन में मुझे आपको एक कुछ चीजों को ये बताना था कि जो हर्डल्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर वो बेसिकली बहुत गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और दूसरे जो अदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वो सब अपने अपने मफाद के लिए काम करना चाहते हैं, और जब तक उनकी कंट्रीब्यूशन ना हो किसी भी लेवल पे, किकबैक्स और अंदर बाहर उनकी मर्जी, उसके बगैर बाहर का बंदा जाके वहाँ कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको 5 के कुछ एग्जांपल देता हूँ जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि मुशर्रफ साहब इधर आए, मुशर्रफ साहब ने जो है ना जब वो आए थे तो उन्होंने डॉक्टर अताउर रहमान को भेजा, जब वो डॉक्टर साहब इधर आए उन्होंने यह बात की तो हमारे बहुत सारे साथी थे वो गए पाकिस्तान, तो उनको वहाँ जाके ये मतलब उन्होंने एक वजीर साहब को हैंडल कर दिया। हमारे एक दोस्त हैं खालिद साहब, खालिद रजा साहब, तो वो गए जब पाकिस्तान तो एक प्रोजेक्ट लेके गए थे सिस्को की तरफ से, तो उन्होंने उसको कहा कि जी ऐसा है कि जी आप इन वजीर साहब से बात कर लेंगे। वो वजीर साहब के पास गए तो वजीर साहब ने बोला अब ये कहाँ इन चक्करों में आप पड़ गए हैं, आप जो हैं क्या कहते हैं आइए आपके पास भी पैसे हैं आप यहाँ पर आइए कुछ शुगर मिल लगाते हैं। तो मतलब इस टाइप की मैंटालिटी लोग रहते हैं। मेरे साथ अपने साथ खुद ये एक बड़ा सेटबैक हुआ था कि जब मैं इधर
के पी के में जब इनकी हुकूमत थी तो असद उमर साहब इधर आए थे, तो असद उमर साहब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये वो। तो हम एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क का, मैं और मेरा दोस्त आमिर, हम लोग लेके गए ये प्रोजेक्ट उनके पास। तो वहाँ पर मैं खड़ा हुआ उनके सामने, मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, पीछे से एक साहब आए, उन्होंने आके उनसे बोला कि जी हम पाकिस्तान से शहद एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है शहद की पाकिस्तान में। तो वो हमारी बातें छोड़ के वो शहद के पीछे निकल दिए। तो मतलब उनको सीरियसनेस नहीं पता, उनको ये नहीं पता। मेरे एक और जानने वाले हैं, उनके भी मैं आपको ये कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो किडनी सेंटर, वो सॉरी किडनी नहीं, वो लिवर ट्रांसप्लांट का जो है ना, वो यहाँ पर बहुत बड़े सर्जन थे, और वो उन्होंने कहा पाकिस्तान में लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होती, तो यहाँ से अपना सारा सब कुछ करके छोड़ के डॉक्टर्स और पूरा सेटअप जाके उन्होंने पाकिस्तान में किया लीवर सेटअप का, कि लीवर ट्रांसप्लांट का। तो वहाँ के ऊपर भी बाद में थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जी हुकूमत चेंज हो गई, उनकी शहबाज शरीफ की या कि जिनकी भी थी, वो हुकूमत चेंज हो गई, नई हुकूमत आई है, उन्होंने बोला कि जी आप तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और गवर्नमेंट से और फला ढमाका, और क्या कहते हैं उनको, उन्होंने रैपअप करवा दिया उधर से। तो मतलब इस तरीके की जब जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी, जब वहाँ सपोर्टिव जो है ना लोग नहीं होंगे, तो काम बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, सिर्फ एक एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में काम करवा सकता है, वो है हमारा पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जब इलेक्शन अपनी मर्जी से करा सकती है, पाकिस्तान आर्मी जो है हर काम 70 साल से अपनी मर्जी से करा सकती है, तो पाकिस्तान को वो बहुत आगे तरक्की पे लेके जा सकते हैं। आप उस हुकूमत का किस्सा बता रहे हैं जिसके लिए आप रात दिन ट्रोलिंग करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, उन्हें खराबी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, शख्सियत से कुछ नहीं होता। अगर इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मशीन सही है, ठीक है ना। अगर गाड़ी खराब है ना, तो ड्राइवर आप कितना भी अच्छा उसके ऊपर आप बिठा दें, वो गाड़ी नहीं चला सकते। तो हमारे प्रॉब्लम कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी आप जैसे लोग, वहां सिस्टम इतना तबाह हो चुका है कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद 3G 4G जब पाकिस्तान में आया था, मैं खुद वहां पर पूरा एक ट्रेनिंग और एजुकेशन का एक पूरा प्रपोजल लेके गया था। नोबडी वॉज इवन, मैंने सेलुलर कंपनीज के साथ जाके मैंने टाइड अप किया, मैंने कहा यार मैं आपको अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कोचिंग वगैरह हम करेंगे, क्योंकि मेरी वाबस्तगी जो है सेलुलर से बहुत लॉन्ग है। मैं ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर और सेलुलर के लोगों को मैं जानता हूँ, तो मुझे पता था मेरी इतनी रेंज है कि मैं बहुत बड़ा काम कर सकता था पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली करना नहीं चाहते आपके ख्याल में, या ऊपर नहीं, समझ में नहीं आता। वहां देखिए, वहां का मेजर इशू आफाक भाई ये है कि वहां पर लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, लोगों को लॉन्ग टर्म्स नहीं चाहिए होते। लोग कहते हैं कि जी आज हमें बताएं कि आज हमारे पास क्या है, हमें आप बताइए, आप हमें किकबैक्स क्या मिलेंगे, हमें क्या फायदा है, हमारी क्या उसके अंदर इंटरेस्ट। आप मुल्क का फायदा नहीं देखते। वहां पर जो कंपनीज हैं, वहां पर जो सीईओज हैं, वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिकान हैं, वो अपना फायदा देखते हैं। तो अपने फायदे के लिए आपको कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जाकर मैं अगर कोई टेक्नोलॉजी लेके जा रहा हूं और मैं उसको रोल आउट करना चाह रहा हूं, वहां आप उसके अंदर बोलेंगे जी मेरे बंदे सिंह से इतने बंदे आ जाए, फला से इतने आ जाए। और ये बताइए हरे साहब, आप यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं डिफरेंट फील्ड में, मैं आपके खानदान में ही काफी लोगों को जानता हूँ, आप लोगों की कोई पहले तो एक तंजीम हुआ करती थी पाकिस्तानी प्रोफेशनल के नाम से, मगर उसने कभी कोई काम नहीं किया। इवन ये कि मुझे उनकी आखिरी मीटिंग याद है, उसमें सफी कुरैशी आए हुए थे वाशिंगटन डीसी में, मेरे साथ ही बैठे थे, और फारूक बाजवा वहां चीफ गेस्ट थे। तो वो अलाइव है, आप लोग मेंबर है उसके, वो क्या कर रही है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बता सके, जैसे अपना के डॉक्टर्स हैं 3000 ही सही मगर एक बड़ा नाम बना लिया है, तो आप लोग हैं कहीं ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी एक यहाँ पर एनईडी की बहुत बड़ी एलुमनाइज है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉप इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और साइंटिस्ट और सारे, तो एनईडी की एक है ना पाकिस्तान में, एनईडी जैसी 30 यूनिवर्सिटी है अब तो जी। लेकिन क्योंकि वो एलुमनाई इतनी पुरानी है, इतनी ऑर्गेनाइज है, और उसकी वजह से जो है ना उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और लोग ऐसी बात नहीं है, वहां पर लोग बहुत काम करना, यहां से लोग बहुत काम करना चाहते हैं। इवन मैं आपको जिक्र कर दूं कि मेरा एक हमारा क्लास फेलो है खालिद रजा, ही इज अ इन्वेंटर, और उसने जो है ना एक टेक्नोलॉजी बनाई है विप्टेला के नाम से, SD-WAN, और उसने वो सिस्को को 700
बिलियन डॉलर्स की वो सॉरी मिलियन डॉलर्स की वो टेक्नोलॉजी बेची है उसने, और सिस्को वाले मतलब वो इंटरनेट का इस समझ ले के मतलब दुनिया में वन ऑफ द टॉप गाय है जो कि इंटरनेट समझता है, वो पाकिस्तान गया टेक्नोलॉजी लेके, वो जाके पाकिस्तान में काम करना चाहता है, मैं पर्सनली उसको जानता हूं। लेकिन अपॉर्चुनिटी, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, जब तक उनकी कॉर्पोरेशन नहीं होगी, आपको मैं यहां से 1000 आदमी खड़ा करके दे सकता हूं, आपको मैं टॉप और टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज बना के दे सकता हूं पाकिस्तान। जी बताइए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी पिछले दिनों केयर टेकर गवर्नमेंट ने ऐलान कर रही थी कि हम 2,00,000 लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं, स्किल्ड आई टी वर्कर बनाने जा रहे हैं, और फिर साथ में कहा गया कि जी आई टी की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो आपको मार्स और चांद पे भी ले जाने की बात कर लेगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे काम करती है और कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चलती है। प्रॉब्लम यह है कि किसी भी चले आप आई टी के लिए, आप सबसे पहले उसका जो बेसिक लेवल है वो है एजुकेशन। आप मुझे बताइए कि हमारा एजुकेशन लेवल क्या इस लेवल पर है कि हम इंडिया या दूसरे कंट्रीज के साथ हम खड़े हो सकें। हमारे पास जो एनएडी यूनिवर्सिटी एक टॉप यूनिवर्सिटी एक जमाने में होती थी कराची के अंदर, उस यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर रही, बल्कि वो पूरा शहर। देखें, अब मैं आपको थोड़ी सी मैं पॉलिटिकल साइड पे भी लेके जा रहा हूं। अब आप ये सोचें, जब पाकिस्तान बना था ना, तो दो कौम ऐसी थी जो कि फुली एजुकेटेड कौम थी, एक बंगाली थे और दूसरे महाजिर और कराची आइट्स। बंगालियों को आपको 71 में आपको उन्होंने थैंक यू करके निकल गया, वो उनको आपको पता है कि उनके साथ क्या, वो आज देखें वो कहां खड़े हैं अपनी एजुकेशन और अपने उसके मेहनत के लिहाज से। दूसरी कौम रह गई थी हमारे पास महाजिर, महाजिर जो वहां से आए थे एजुकेटेड पढ़े लिखे, क्योंकि उनके पास एक ही टूल था, वो एजुकेशन। तो जो महाजिरों के साथ कराची में किया गया जो यूनिवर्सिटी इस तालीम के साथ, तो आपने अपने तालीम के दोनों हाथ काट दिए, और इसके जिम्मेदार आपको पता है कौन है। जब आपके दोनों हाथ कट जाएंगे, फिर आप खड़े होकर आप कहेंगे कि जी अब आप काम कर सके, आपके तो हाथ ही नहीं है। तो सबसे पहले अब तो कराची के बच्चों का रिजल्ट 46% आता है, इंटीरियर में 87% आता है जी, आपको पता है। हो सकता है थोड़े अरसे के बाद कराची के जो है ना 5% रह जाए, इंटीरियर का 95% हो जाए, तो ये तो कोई इशू नहीं है ना। देखे ना, अगर एक कौम खुद अपने हाथ से अपने पांव और हाथ काटने के लिए तैयार है, तो मैं और आप बाहर बैठ के क्या कर सकते हैं, मैं और आप बाहर बैठ के क्या सकते हैं। मैं आज मुझे आप मौका दें, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें, मैं आपको पाकिस्तान के अंदर हर चीज करवा के दिखा सकता हूं। मेरे इतने लिंक्स हैं, इतने जानने वाले हैं, मैं हम वहां पर एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी। अब ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आईटी के अंदर काम करने के लिए कोशिश की, अपनी गलतियां भी माननी चाहिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि भारत की, चाइना की और फिलिपीन की पूरी इकॉनमी में उनके ओवरसीज, स्पेशली अमेरिकन जो ओवरसीज थे उनके डायस्पोरा था, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आप एक छोटी सी एनएटी की अल्मनाई बना के बैठे हुए हैं, जबकि 30-35 हैं और आप 2,00,000 के करीब लोग हैं। अगर अपना की तरह 10-15,000, और आज के दौर में खासकर डॉक्टर तो बहुत कॉमन होते हैं, मगर आप लोग तो आज की दुनिया का नया फिनोमेना है। तो अगर आप 10-20,000 एक साथ होते, कोई बड़ी आवाज बनते पाकिस्तान के मामलात में, जो पीटीआई की ट्रोलिंग करने के बजाय एक सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत करने के बजाय वहां के निजाम के लिए बात करते, तो उसका कोई बड़ा असर होता। उस जानिब कभी सोचा आपने कि आप लोगों से भी लैग हुआ है? नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल बजा है, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि यूनिटी बेसिकली किसी भी काम के लिए हमारे अंदर ये एक यूनिटी होनी चाहिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो इंडियंस, मैं इधर तकरीबन 25-30 साल से अमेरिका के अंदर मैं काम कर रहा हूं, और मैंने यहां पर देखा है जो इंडियंस यहां पर जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, यूनाइट होके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं इंडिया। मैं अपने कितने ऐसे इंडियन साथियों को जानता हूं जो यहां बेहतरीन जॉब्स कर रहे थे, लेकिन दे गो बैक टू इंडिया और वहां पर जाके काम करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों तरफ फायदा हुआ, यहां लोकली तो उनको फायदा हुआ ही कि यहां पर उन्होंने सारा आईटी का सेक्टर, सॉफ्टवेयर का सेक्टर उन्होंने कंट्रोल किया, उसके अलावा उन सारे वहां जाके उन्होंने इंडिया के अंदर भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, वहां लोगों को एजुकेट किया। आपके पास बिल्कुल सही है, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे एलुमनाई
का जो ग्रुप है वो करता है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं कर सकता जिस लेवल पे दूसरे लोग करते हैं, और ऐसा होना चाहिए। मैं अपने दूसरे साथियों से भी इस लेवल पे बात करूंगा, उनसे बोलूंगा कि भाई एक कोई ग्लोबल लेवल के ऊपर हम एक एफर्ट्स करें। खाली अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड के अंदर भी बहुत अच्छे पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज बैठे हुए हैं, और मिडिल ईस्ट में बड़ी हिम्मत होगी अगर आप लोग स्टेप इन करेंगे इस तरफ और एक बड़े प्लेटफॉर्म से काम करेंगे और वहां की खामियां बताएंगे। अब ये बताइए कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने के लिए हाई स्किल्ड, आप मैं उस सवाल की तरफ बाद में आऊंगा कि इंडियन कैसे आगे हैं, उनकी इन्वेशन क्या है और उन्होंने क्या काम किया, वो एक अलग बहस है, मतलब पहले बताइए कि हम क्या फौरी इकदाम करें कि आप तो मायूसी की बात की आपने कि हम बहुत पीछे रह गए, हमारा चांस खत्म हो गया, कि हम उस चांस को अवेल कर सकें, वो फौरी क्या इकदाम है। अच्छा, मैं आपको इस सिलसिले में बताता हूँ। देखिये, आप 40 साल पहले जब दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आई थी तो दुनिया में दो नेटवर्क्स आए थे, एक वायरलेस नेटवर्क जिसको आप सेलुलर नेटवर्क्स कहते हैं, और दूसरा एक आईटी नेटवर्क्स था जो कि आपका जो कंप्यूटर सारा कनेक्टेड और सारे ऑफिसेस और सारा बैंक और बैंकिंग सिस्टम कनेक्टेड था। तो ये दुनिया में ये दो नेटवर्क आए थे 40 ईयर्स पहले, और इन दोनों नेटवर्क्स को बेसिकली ये दोनों अपनी अपनी जगह पर पूरी दुनिया में काम कर रहे थे, और अब इस लेवल पर आके ये दोनों नेटवर्क्स आके मिल गए। तो अब जो नई टेक्नोलॉजीज और नए हिसाब से सेलुलर टेक्नोलॉजी और आईटी टेक्नोलॉजी, दे आर मर्ज टुगेदर एंड नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ द आईओटीज, इन टर्म्स ऑफ द मशीन लर्निंग। यहाँ ये भी एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी टेक्नोलॉजी एंड सेलफोन टेक्नोलॉजी। अच्छा, देखिये, सेलफोन टेक्नोलॉजी जो थी ना वो बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजी थी, और उसके अंदर उस जमाने में सिर्फ फोन का एक कॉन्सेप्ट था कि आप वायरलेसली आप अपने हाथ पे फोन रख के बात कर सकते थे। फिर थोड़े अरसे के बाद इन्होंने उसके अंदर इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया GPRS और H के नाम से स्टार्ट में, कि ताकि सेल फोन के अंदर भी आप थोड़ा बहुत इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकें वायरलेसली। लेकिन जो आपको पता है ना, आपके ऑफिस में आपके घर में कंप्यूटर होता था, अगर आप उसको आप बाहर तो लेके नहीं जा सकते थे ना इंटरनेट को, ठीक है ना, तो उसके लिए तो आपको घर पे बैठ के आपको इंटरनेट को यूज करना पड़ता था। तो उस सिलसिले में जो ये टेक्नोलॉजी जो थी ना आईटी की, वो वायर्ड कहलाती थी और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाती थी। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये था कि ये दोनों टेक्नोलॉजी थी, एक तो फिक्स नेटवर्क कहलाता था जो आईटी थी, और ये वायरलेस नेटवर्क कहलाता था वो वायरलेस। तो फिर इन्होंने वायरलेस के अंदर इन्होंने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी डालनी शुरू कर दी कि वायरलेसली आप जो है ना पैकेट्स को किस तरीके से आप ट्रांसफर करेंगे दूसरे डेस्टिनेशंस के ऊपर। तो ये एक स्लोली ग्रेजुअली होते होते फिर वायरलेस आज आपके हाथ में वो फोन जो है ना वो कंप्यूटर बन गया बेसिकली। अब आपके हाथ में जो फोन है ये वही फोन है जो आपके डेस्क के ऊपर जो एक वायर्ड वाला लैपटॉप रखा होता था ना, दैट्स कॉल्ड द सेम कंप्यूटर इन योर हैंड। तो ये एक इनोवेशन हुई है दुनिया में। लेकिन अब इसका एक सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा फैक्टर इस दुनिया में आ रहा है जिसको हम AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये एक ऐसा एरिया आया है कि अब यहां पर अब इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया सब एक लेवल पर आ गई है। 40 साल पहले की जो लेगेसी टेक्नोलॉजी थी ना उसमें तो इंडिया ने पूरी दुनिया को छा गया, इंडिया ने मात दे दी क्योंकि वो बहुत आगे जा चुके थे आईटी में और उन्होंने बताइए सेलफोन की जो मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैंने सवाल बनाया कि वो तो चाइना से फोन बनवाते थे, उस पर अपना रीब्रांड करते थे, अपना नाम लगाते थे और मार्केट में बेच रहे थे। CEO बन जाना किसी कंपनी का वो एक अलग बात है, बहुत अहम बात है, बड़ी कामयाबी है कि आप गूगल के भी हैं और फेसबुक के भी हो और बिल गेट्स की कंपनी के भी हो, एप्पल के और XYZ सो मैनी। मगर इन्वेंशन क्या है इंडियंस की अभी तक जो दुनिया को फायदा पहुंचा हो? वो तो ऑर्डर के ऊपर चीजें बनाकर दे रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर अमेरिका ने पहले कभी बनाया होगा, उसमें कोई एप्लीकेशन चेंज की होगी, वहां सस्ता बनता है वहां से बनवा के मंगवा लिया। वो अपॉर्चुनिटी भी पहले पाकिस्तान को मिली थी, हमारे लोग समझ ही नहीं सके और उन्हें भगा दिया गया, जैसे आप लोगों को भगा दिया तो वो इंडिया चले गए। तो वो मैं समझना चाहता हूँ कि इंडिया की तरक्की है क्या सॉफ्टवेयर में देखें इंडिया की जो मेन तरक्की की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इंडिया की एजुकेशन है। नंबर वन, इंडिया की एजुकेशन जो है ना
वो उन्होंने एक आईआईटी नहीं, उनके पास 10 आईआईटी हैं, और आईआईटी जो है ना वो ऑलमोस्ट लाइक एमआईटी और स्टैनफोर्ड। तो उन्होंने अपने एजुकेशन को इंक्रीज किया। देखें जो रूट कॉज है ना, अगर आप जड़ें अच्छी डालेंगे ना तो पौधे अच्छे निकलेंगे। नहीं देखिए, मैं फिर इंटरप्ट करूंगा, आई एम सॉरी, ये मैं जानता हूं, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि इंडिया की आईआईटी में जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता उन्हें एमआईटी बॉस्टन में मिल जाता है। जी उनकी इन्वेंशन जो सबसे बड़ी इन्वेंशन है ना, वो बेसिकली उनकी इन्वेंशन जो है ना वो ब्रेन है। वो पूरी दुनिया में ब्रेन इज काइंड ऑफ द मशीन, राइट। उनकी वो मशीन ब्रेन जो है जो कि हर चीज बनाने की कैपेबिलिटीज रखती है। जरूरी नहीं है कि वो एक कोई चीज इन्वेंट करें। जितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं अमेरिका में और जहां पर इन्वेंशन हो रही हैं, उनमें 80% इंडियन ब्रेन्स हैं, उनका ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है। तो उनकी इन्वेंशन आप इस तरीके से लें, वो जो अपना ब्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में ना, वो ब्रेन जो है ना इस दुनिया को ऊपर लेके आ रहा है। और एवरीथिंग इज द ब्रेन, कंप्यूटर इज द ब्रेन। अगर वो कंप्यूटर को वो जिस तरीके से चाहे उनका ब्रेन बना सकता है। देखिए अगर बताइए कि पाकिस्तान में फौरी वो क्या इकदाम हैं जिन्हें लेने से हम इस चांस को अवेल कर सकते हो और जिंदगी का आज का हिस्सा बन। इस वक्त पाकिस्तान में और नॉट ओनली पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस वक्त सब एक लेवल पे खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में सब नए हैं। उसमें इंडियन भी नए हैं, पाकिस्तानी भी। आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स, क्लाउड्स, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अंदर अब देखें, एक दफा फिर 40 साल पहले की दौड़ हम हार चुके हैं, अब 40 साल बाद की दौड़ में सब एक लाइन पे खड़े हैं। तो अब हमें अपने आप को, अपने एजुकेशन को, अपने लोगों को उस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा कि वो इन टेक्नोलॉजीज के अंदर जल्द से जल्द अपने आप को तैयार करें और नई नई प्रोडक्ट्स बनाएं। और इसमें तो कैसे तैयार करें, आपने तो कहा वहां तो बड़े हर्डल्स हैं, वो बताए ना कि उन्हें फौरी बेसिक क्या स्टेप करने होंगे कि जिन पे चलकर। मैं आपको वही बता रहा हूँ, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोलें वहां पर। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोलनी है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोलें, वहां उनको प्रोजेक्ट्स दें। इवन ये जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर के लोग हैं, ये इनको यहां से प्रोजेक्ट्स दें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वो वहां इन्वेंशन। अब मैं आपको छोटा सा बता दूं, अब जैसे कॉल सेंटर है एग्जांपल, अब कॉल सेंटर में 500 लोग बैठे हुए हैं और सारी कॉलें उठा रहे हैं। अब ये आपको एक एआई जो है ना 2 मिनट में कर सकेगा। आप उसको एआई मशीन को आप जो है ना सारे एल्गोरिथम बना के दे दें, मशीन को बता दें कि जी किस टाइप के सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो वो कॉल सेंटर आप वो बना के वो प्रोडक्ट दुनिया में भेजें। ऐसे मैं आपको 1000 प्रोडक्ट बता सकता हूं कि जो कि आप एआई के थ्रू बना सकते हैं। तो आप बनाएं तो सही ना, आप लोगों को वहां पर इंस्टीट्यूट खोलें, यहां के लोग मदद करेंगे, किसी को मेरी मदद चाहिए। ये भी बताइएगा कि आपने मेरे सवाल की तरफ ही आगे खुद ही कि 500 लोग बैठे थे, एक मशीन जो है उन 500 लोगों को रिप्लेस कर देगी। तो मैंने अभी एक सीबीएस का एक प्रोग्राम देखा 60 मिनट में, वो बता दे कि एक कंपनी के एंटरप्रेन्योर कोई हेड ऑफ दी कंपनी है कि 40% जॉब दुनिया से खत्म होने जा रही है। तो जब वो 40% बेरोजगार होंगे वो कहां? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस जमाने में हमारे यहाँ फाइलों में बैठ के काम होते ना, जब कंप्यूटर आया था तो उस पर यही कहा जा रहा था, अब कंप्यूटर आ गया, 40% जॉब किया, 50% जॉब खत्म हो जाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे। देखें इंसान जो होता है ना अडेप्ट करता है, इंसान जो है ना नेक्स्ट लेवल पे जाता है। कोई बंदा खत्म नहीं हो रहा, आज तो कोई भूखा नहीं मरा, हजारों टेक्नोलॉजियां चेंज हुई है। ये जॉब जो खत्म होगी तो ये लोग फिर उस तरफ नए तरफ जाएंगे। जॉब खत्म होने का मतलब ये नहीं हो जॉब खत्म हो जाएंगी, लोग नहीं खत्म होंगे, लोग जो है ना वो अडेप्ट कर लेंगे नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, फिर उसके साथ उनको भी तो लोग चाहिए ना आगे, उनको भी तो लोग चाहिए काम करने के लिए। बेसिकली एआई बनाने के लिए भी तो उनको मैनेजमेंट चाहिए, उसको ऑपरेशन चाहिए, उसको डिलीवरी चाहिए, उसके अंदर सेल साइकिल चाहिए, हजारों चीजें चाहिए। तो उन तमाम चीजों को रोल आउट करने के लिए भी तो इंसान ही चाहिए ना। वो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मिडिल में आएगी, अपने पीक पर आएगी, तो ये ऑफिसेस का तसव्वुर बाकी बचेगा? देखिए ये तसव्वुर तो रहेगा, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा। वो इस तरीके से होगा कि लोग फिर अब जो आज जो हम काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट ले लें कि जो आज से अगर
20 साल पहले आप देखें कि ट्रेन स्टेशनों पे कुली होते थे, हजारों सामान उठा रहे हैं डाल रहे हैं, आज आपको ट्रॉलियां मिली हुई, आप खुद लेके जा रहे हैं सामान, आप सब कुछ, हर चीज अडेप्ट हो जाती है। देखें उसमें ऐसी बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ह्यूमन जो है ना, नोबडी कैन, नो मशीन कैन रिप्लेस ह्यूमन, नंबर वन, ठीक है ना। ह्यूमन जो है ना वो डायरेक्ट करेगा मशीन, और मशीन जो है ना वो कैन नॉट बी ए ह्यूमन, ये अपने जहन में रखिएगा। ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इसमें, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा। अब नहीं, आप ही के, आप ही के शहर में रहते हैं अभी, जिंदा है मेरे ख्याल में, टॉफलर नोबेल अवार्डेड है, उनकी किताब है थर्ड वे, वो तो ये बताते हैं कि स्कूल सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, और क्योंकि सनत से जुड़ा हुआ है डिसिप्लिन वाइज, 7 बजे आपने स्कूल इसलिए जाना है कि बड़े हो के आपने कल सनत में जाना है, फैक्ट्री जाना है, तो सब कुछ मूविंग होगा, और वो नजर आ रहा है। अर्ली 80s में किताब लिखी हुई, 81 में मेरे ख्याल में, थर्ड वे के नाम से, कि स्कूल ऑनलाइन आ गए हैं, सारा कुछ जो चीजें नजर आ रही है। खैर हम उससे हटते हैं, क्या ये मुमकिन नहीं है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ये करे, अभी आपने खुद कहा कि मैंने टॉक किया कि वो तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारी आईटी में, और हम इतने स्किल वर्कर पैदा हो रहे, कर रहे हैं, कि आप यूरोप अमेरिका में जो रहने वाले आईटी एक्सपर्ट है, सीनियर है, वो एक बड़ा ग्रुप बनाकर पाकिस्तान जाए। देखिए ये मीडिया का दौर है, एक चेक एंड बैलेंस जो है डेमोक्रेसी में भी मीडिया अपोजिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जो मैं समझाऊं कि आप वहां जाएं, पब्लिक को पहले से बताओ कि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है आईटी के, आप वो लेकर थॉट पूरा, आप उनसे मिले, जो उनकी खामियां है पब्लिक को आकर बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने ये रखा, हमें ये जवाब दिया। तो जब वो निलाम टूट जाते हैं या कोई सकरात का आलम होता है तो बड़ी एफर्ट करनी होती है, खाली दुख का इजहार करने से कुछ नहीं होता। नहीं, आपके बात बिल्कुल सही है, और इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं ये पहली दफा नहीं हुई है। आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अताउर रहमान साहब इधर आए थे, एक हाइप मचा हुआ था, और यूं कर देंगे हम पाकिस्तान में, वो कर देंगे, लोग यहाँ से एक्साइटेड हुए थे। इमरान खान के दौर में लोग आए, हम यूं कर देंगे, लोग एक्साइटेड थे। अनफॉर्चुनेटली जरदारी नवाज शरीफ के दौर में मैंने इतना हाइप नहीं देखा, लेकिन इन लोगों के दौर में हाइप। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बाहर जितने भी लोग हैं दे आर मोर फेथफुल टू पाकिस्तान देन द लोकल पाकिस्तानी। इन लोगों को पता नहीं, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी जो मोहब्बत पाकिस्तान के लिए होती है वो कितनी ज्यादा होती है। हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये वहां के जो लोकल लोगों का एक माइंड सेट डेवलप हो गया है ना, उसको हमने तोड़ना है। और जब तक हम वो माइंड सेट नहीं तोड़ेंगे ना, उस वक्त तक हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। कैसे छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? कोई इज्तमाही स्ट्रगल नजर आनी चाहिए ना, कोई एफर्ट नजर आनी चाहिए कि आप 100, 200, 1000, 2000 यहाँ से रोज बोलें। यहाँ पर यहाँ तो मसला ये है कि आप फर्स्ट वर्ल्ड में रहकर यहाँ मेहनत करने के बाद आप वहां की सियासी जमातों की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ तो इज्तमाहियत पैदा करनी चाहिए थी कि भाई ये एक ही निजाम है, एक ही सिस्टम से सब आते हैं। आप डिजिटल पाकिस्तान की हकीकत आपने चंद लफ्जों में पहले ही बयान कर दी, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जो असद उमर ने आपको जवाब दिया। तो आप जैसे लोगों को तो चाहिए था कि अपने प्रोफेशन के लोग भी जमा करते और जनरल कम्युनिटी को भी कि भाई इनकी सियासी जंग यहां नहीं लड़नी, हमने हमारी इज्तमाहियत से वहां कोई दबाव पड़ सकता है और हम निजाम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरफ कभी सोचें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरफ सोचें और सोचना चाहिए, और मैं इसके ऊपर जरूर पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला। बल्कि अभी मैं अपनी पर्सनल एफर्ट बता दूं, मैं अभी भी पाकिस्तान से H1 के ऊपर बेतहाशा बच्चों को मैं लेके आता हूं यहाँ पर, जो जो मेरी कंपनीज में अप्लाई करते हैं उनको मैं यहाँ पर अच्छी जॉब दिलाता हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पिछले 20 साल से मैंने यहाँ पर हजारों की तादाद में RF इंजीनियर्स, मैंने उनको ट्रेन करके उनको मैंने प्लेस किया है मुख्तलिफ कंपनीज में। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स इन AT&T, Verizon एंड यू नो मल्टीपल कंपनी। मैं बेतहाशा पाकिस्तानी लड़कों को मैं अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप से लेके आया हूँ। मेरे ख्याल में मोर देन 40-50 तो होंगे ही, इसके अलावा काफी मैं 30-40-50 लोगों को तो मैंने यहाँ पर बच्चों को ला के उनको ग्रीन कार्ड्स वगैरह कराए हैं मैंने, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है, मेरा काम भी यही है स्टाफिंग। तो मैं इंजीनियर्स को हायर करता हूँ, उनको प्लेस करवाता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर वो इंजीनियर्स हों जो कि बेसिकली अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हों, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो। तो मेरी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि मैं उन बच्चों को, मेरे साथी हैं वो सब मुझे जानते हैं,
कि मैंने उन लोगों को बड़ी मेहनत करके उनको काफी काम वाम सिखा के और माशाल्लाह बड़ी बड़ी पोजिशंस पे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर वो काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी भी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड। आगे बढ़ाता हूँ, आपने ये सजेशन तो दी कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोले, इंडिया की बड़ी बड़ी आईआईटी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके मुकाबले में हम छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोल के वो स्किल्ड वर्कर पैदा कर सकते हैं आईटी में? देखें, आईटी के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा इस वक्त वो नहीं चाहिए होता कि आपको एमआईटी और स्टैनफोर्ड, वो देखें वो आरएनडी टाइप की चीज। देखें दो दो इश्यूज होते हैं, एक तो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए होता है और जिसमें आपको इन्वेंशन करनी होती है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये होता है कि आप जो है स्किल सेट अपने, जैसे चाइना था, चाइना ने क्या किया था, चाइना के अंदर कोई इन्वेंशन नहीं थी, चाइना के पास सिर्फ स्किल सेट था कि वो चीजों को टेक्नोलॉजी के साथ वो बना सकते थे। तो जैसे ही एप्पल वहां पर बनना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा एप्पल बनता कैसा है और एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर उनको फ्री में मिलता था, तो उन्होंने टक टक करके अपनी फैक्ट्री लगाई और अपने सेलफोन बनाने शुरू कर दिए। जब पहला देखें, अभी हम इस तरीके से सोचें, वी आर नॉट गोइंग टू बी कम्पीट इंडिया और एनी वेस्टर्न कंट्री, वी आर फार बिहाइंड, हमें बेबी स्टेप्स लेने। उन बेबी स्टेप्स के लिए सबसे पहले तो कंटिन्यू करवाता हूँ, सॉरी टू कट यू, कि एक तो आपने सजेशन दी कि हुकूमत पाकिस्तान ये काम करे, एक मेरा जहन ये कहता है कि आपके यहाँ 1.5-2 लाख तो सिर्फ अमेरिका में रहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बिलियनर भी हैं, और कहा जाता है कि मैनहट्टन में कोई अराउंड 200-300 ऐसे लोग रहते हैं कि जिनकी वर्थ जो है ना कोई $100 बिलियन से अबव है। फिर सिलिकॉन वैली में एक जमाने में मलिहा रोजी कहती थी कि 20,000 से ज्यादा, ये लेट 90s में जब वो एम्बेसडर थी, कि 20,000 से ज्यादा आईटी इंजीनियर सिलिकॉन वैली में रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान टेलीविजन पे भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि जिनकी वर्थ $800 मिलियन है, कुछ एप्स वगैरह बनाई है। तो आप लोग नहीं ये मॉडल के सिटी के तौर पर जैसे बनाए जाते हैं कि मॉडल आईटी टाउन के तौर पर अपनी एफर्ट से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, हैदराबाद में इस तरह के इंस्टीट्यूट खोले, उसे तो कोई नहीं रोक सकता ना? नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता, और इस तरीके के एफर्ट यहाँ पर लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जो उन्होंने जाके वहाँ लोकल ऑफिस खोले हैं, वहां से बैठ के वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। ये तो एक अलग बात है, डेवलपमेंट का कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोले ना स्किल्ड वर्कर पैदा करने के लिए। देखिए, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए वो चलते रहे, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कई चीजें होती हैं। एक तो आपको परमिशन चाहिए होती हैं, लोकल सेटअप चाहिए होता है। उसके लिए मैं आपको वही बात करता हूँ कि हमें सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान में। अगर हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ काम हो, तो दे नीड टू सपोर्ट अस, दे नीड टू इन्वाइट अस, और सिंसियरली वो हमारी एडवाइस लें। ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंचे वो हमें एडवाइस देना शुरू कर दें, और ये बहुत सारा तो यहाँ आप लोगों के दरमियान इन्वेस्टर्स नहीं है जी? यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है बिलियनर्स, मैं लड़कों को जानता हूँ कि जो के पाकिस्तानी भी हैं और जो है ना उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन ओनली इशू मतलब यहाँ के लोगों का नहीं है, मतलब ट्रस्ट का है। हमें वो ट्रस्ट डेवलप करवाएं, अगर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट करवाए और सिंसियरली काम करें। जब ये मतलब पहली दफा नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान यहाँ से लोग जाना चाहते हैं, बहुत दफा ऐसा हो चुका है, गए हैं, लेकिन रीजन ये कि व्हाई दे कम बैक, वापस क्यों आए हैं, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? कितने अरसे में आपके ख्याल में एक स्किल्ड वर्कर जो आज की टेक्नोलॉजी को मैच करता हो और कॉम्पीट कर सकता हो इंडिया से, चाइना से, या XYZ जो भी आपकी मार्केट में है, तो हमें कितना टाइम चाहिए होगा कि हम एक बल्क में स्किल्ड वर्कर पैदा कर सकें? देखें, इस वक्त जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस वक्त ग्रोथ चल रही है और हाइप चल रही है, तो आप यकीन करें 1 साल से ज्यादा हमें टाइम नहीं चाहिए। 1-1.5 साल में हम इतने स्किल वर्कर हम तैयार कर देंगे कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी अपनी पर्सनल है कि अगर आप इंटेलिजेंस लेवल की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पाकिस्तानी लोगों को देखा है कि जितने तेज हैं, जितने अच्छा काम करते हैं, इवन यहां पर भी जो 2-3 बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है वो पाकिस्तानी है, इंडियंस नहीं है।
मैं आपको बता सकता हूं कि उन लड़कों ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बनाई हैं, सारे एनईटी के और यूईटी के और क्या कहते हैं पिशावर यूनिवर्सिटीज के लड़के हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। अब पाकिस्तानी देखें टैलेंट के लिहाज से अगर मैं आपसे कहूँ ना, पाकिस्तानी जो है ना उनके पास बहुत टैलेंट है, पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत बड़े काम कर सकते हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए। आपने कहा कि एक साल में इतनी बड़ी पोस्ट बन सकती है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकती हो। जी जी बिल्कुल बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें उसमें हमने कुछ नहीं करना इसके है, लिए फिर मार्केटिंग भी चाहिए हमने, होगी, वो कौन करेगा जी? इसके लिए एक मार्केटिंग भी चाहिए होगी कि हमारे पास इतनी बड़ी। देखें देखें ये पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, उस इकोसिस्टम के अंदर हमने उसमें सारी चीजें आती हैं कि उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसके अंदर हमें मार्केटिंग चाहिए होगी, उसके अंदर हमें इंस्टीट्यूट चाहिए होंगे, उसके अंदर हमें। मैं फिर इम्फेसाइज करके बात करूंगा, आप बार बार इन्वेस्टमेंट वहां तलाश करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जब आप खुद कहते हैं कि बिलियनर कंपनीज मौजूद है पाकिस्तानियों की, तो वो इन्वेस्टमेंट से क्यों हिचकिचा रहे हैं? जी मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, यहां से बहुत इन्वेस्टमेंट जा सकती है, प्रॉब्लम यह है कि ट्रस्ट लेवल, अगेन आप वहां पर मौका दें उन चीजों को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए दें। यहां से इन्वेस्टमेंट्स लोग लेके गए हैं लेकिन वहां का रिस्पांस हमें बहुत डिफरेंट मिला है, तो इसलिए वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके वापस आ गए। इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपको यहां से मिल सकती है, सपोर्ट का मसला है, ऑनेस्टी का मसला है और डेडिकेशन के लिए। आप लोगों ने आपस में कभी सर जोड़ा है कि हम एक चंक ऑफ द पीपल एक ग्रुप बड़ा बनाकर मीडिया की सपोर्ट के साथ वहां जाएं, सजेशन रखें और पब्लिक को भी बताएं कि हम ये लेकर आए हैं? और अभी तक ऐसा कोई ग्रुप मेरी नजर में तो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली लोगों ने काम किया है। लेकिन आपकी वेरी गुड सजेशन कि अगर हम इसको एक ग्रुप की सूरत के अंदर अगर हम एक सारे एंटरप्रेन्योर्स और जो है टेक्नोलॉजिस्ट इनका एक ग्रुप बनाएं और मीडिया की सपोर्ट के जरिए अगर हम प्रेजेंट करें जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर्स में और हर जगह पर, तो डेफिनेटली काम हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आप देखें ना 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया भर में आ चुकी है, रोल आउट हो चुकी है, पाकिस्तान में 5G नहीं अभी तक, क्यों नहीं है? हम लोग सब ट्रेंड बंदे हैं, यहाँ पर हजारों पाकिस्तानी 5G पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में 5G नहीं। अब देखें ना, अब वही अगर सऊदी अरब को 5G के लिए अगर उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, तो पाकिस्तान से ले ही नहीं सकता, वो तो इंडिया से लेगा, वो तो श्रीलंका से लेगा, दूसरे कंट्रीज से लेगा। तो ये लेवल जो है ना हमारा जब तक तैयार नहीं होगा ना, देखिए अगेन इंडिया ने ब्रेन जो है ना ब्रेन वो उन्होंने एक्सपोर्ट करा है, और सबसे बड़ी पावर होती है ब्रेन। हमारे पास ब्रेन है लेकिन हम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। देखिए वहां का जो सिस्टम जिस तरह ब्रेकअप हुआ है, इतारे टूट गए हैं, वो एक ही शक्ल में एक आईटी सेक्शन में नहीं, तमाम जिंदगी के शोबों में तब्दीली के लिए जरूरी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका यूरोप मिडिल ईस्ट का तो मैं नहीं कह सकता, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में रहते हैं जिन्होंने इस डेमोक्रेसी से पैसे भी बनाए हैं, आला तालीम भी हासिल की है, बड़े बड़े घर बनाए हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाया है, वो भी ट्रांसफॉर्म करें और इन्वेस्टमेंट भी लेकर जाएं, मगर इज्तमाहियत के साथ होगा। इंडिविजुअली एक एक करके जाते रहेंगे तो वो तो जंगी उसूल है कि आप एक करके जाएंगे वो बहुत बड़ी फौज है, वो आपको मार देंगे, क्योंकि वो निजाम टूट चुका है। जब तक आप इज्तमाहियत अख्तियार नहीं करेंगे और ये लोकल पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हम यहाँ लेकर आ गए हैं उससे अलग हटकर एक अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे और फैसले नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, उससे पहले आप समझते हैं कि वहां कोई तब्दीली ला सकते हैं हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगेन वही मैंने आपसे बोला है कि सियासत से पहले शऊर चाहिए, और शऊर बिल्ड करने के लिए हमें यूनिटी चाहिए, और यूनिटी के लिए हमें फिर एक हमें एक जो है ना प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए हम आने के लिए तैयार हैं, मेरे पास बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस हैं, मेरे पास बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, वी ऑल आर, मेरी उनसे डे टू डे बात होती रहती है। हमारा अपना ग्रुप जो है ना, खाली हमारे अपने बैच के 250-300 इंजीनियर्स हैं, और दे एवरीबडी दे आर टॉकिंग अबाउट के वॉट वी कैन डू इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म कौन बनाएगा? ऊपर से तो नहीं आते प्लेटफॉर्म बनाने की बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, अगर हमें मीडिया सपोर्ट करता है, अगर हमें मीडिया सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यहूदियों को नफरत का निशाना तो बनाते हैं मगर उनसे सीखते नहीं है,
कि उन्होंने इस मुल्क में कैसे कामयाबी इज्तमाईयत के साथ हासिल की। नहीं देखें, जब कोई बताने वाला होगा तो सीखेंगे ना। तो अब हम जैसे मैंने एक एक देखें, मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने बार्सिलोना से एक छोटी सी वीडियो डाली, उसके रेफरेंस से आपने मुझे अप्रोच करा। अब इस तरीके से देखें, इस जो स्ट्रिंग को अगर हम लेके चलते हैं, आगे हम ज्वाइन करना शुरू करेंगे तो दैट्स द वे, दैट्स द बिगिनिंग। तो अगर स्ट्रिंग को लेके चलेंगे, आगे हम लोगों को ज्वाइन करेंगे, प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह सुभान तआला भी हमारी मदद करेगा और हम कुछ काम कर सकेंगे। बात ये होती है कि इनिशिएटिव देना है। अब मैं ये काट दूंगा बाद में, अब आपके जहन में कोई और बात है, मेरी तरफ से तो ये कंप्लीट है। देखिए मेरे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मुझे आपको ये बताना है कि इस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त सब लोग एक लेवल पर आ चुके हैं इस नई टेक्नोलॉजी में, जिसके अंदर AI है, मशीन लर्निंग है, उसके अंदर ऑटोमेशन है, उसके अंदर ड्रोन है, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज है, एनर्जी टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी अब दुनिया में नई आ गई है। लेगेसी टेक्नोलॉजीज जो है ना, वो सेलुलर और IT में खत्म हो गई है, ये खत्म होती जा रही है। तो अब एक एक अपॉर्चुनिटी और मिली है पाकिस्तान को। 40 साल पहले इंडिया निकल गया, हम पीछे रह गए। अब इंडिया और हम दोनों एक लेवल पे रेस में खड़े हैं। अब जो इसमें से आगे भाग के निकलेगा, तेजी से निकलेगा। और अगेन मैं आपसे वही कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। जिस दिन आपने वो चीज बिल्ड कर ली, वो प्लेटफॉर्म आप बिल्ड कर लें, आपको हाथों हाथ दुनिया भर में लिया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर क्या कहते हैं, जस्तजू करने की जद्दोजहद है, और हम कर सकते हैं, हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए। अगर आप जैसे मीडिया के लोग और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अंदर सिंसेर लोग अगर हमें मिल जाएं, हम दुनिया में इन इनकलाब ला सकते हैं, हम पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। और ये मैं आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी इसी वीडियो पर आइंदा दिनों में गुफ्तगू होती रहेगी। थैंक यू। हम जिंदगी को रोज मुस्कुराते देखते हैं, कभी खेलते खेलते सो जाते, कभी जागते जागते खो जाते, दौड़ते भागते रोते रुलाते हंसते हंसाते रोज देखते हैं, और इस जिंदगी सरिश्ता जब खून का हो तो उसके आगे कहां कुछ देखते हैं। लेकिन खून के ये रिश्ते सिर्फ पैदाइशी नहीं होते। आपका सवाल होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, यहां सवाल है कि वो कितना बड़ा हो सकेगा। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है, और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में मजीद 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का आगाज कर दिया गया है। लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपके एहतियात, सदकात और ज़कात की। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी जकात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है, और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता खून का।